Hello, future officers. My name is Rohit Garcha, and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2,200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहाँ पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आपको ये बताया जा सके दैट क्लीन टेक इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन टेक. बस तो यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स पे खेलता है और वो कुछ नहीं करता है. बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए तो क्लीन टेक इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, बट rather इट इज सिंपली द increased एफिशिएंसी ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है कि आपके पास ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल IC इंजन है, इंटरनल कम्बस्टन इंजन है, तो आप उसी के अंदर क्या वेरिएशन करोगे कि उसकी एवरेज बढ़ जाए. नो दिस इज कॉल्ड क्लीन टेक. आपका कार वॉश है, एक यू हैव ओपनड अ कार वॉश और आप इतने मात्रा में पानी को एक्सपेल करते हैं. नो दिस इज अमाउंटिंग टू वाटर वेस्टेज, लेकिन आपके पंप्स भी लगे हुए हैं वाटर प्योरीफाइंग के लिए. तो अब हम और ऐसा क्या करें कि ये और बेटर तरीके से काम करें, लेस वाटर इज वेस्टेड, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वाटर प्यूरिफिकेशन को ये एक आउट ऑफ द ब्लू कॉन्टेक्स्ट है, राइट, कोई नई टेक्नोलॉजी है, बट रादर क्लीन टेक इज नथिंग बट उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, राइट. सी, लेट अस सी द डेफिनेशंस. फर्स्ट लाइन के अंदर ही गिवन है. एंड बाय द वे, जो बच्चे यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको देख लीजिए, डॉक्यूमेंट कवर हो रहा है इधर. फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, क्लीन टेक और क्लीन टेक इज जनरली डिफाइंड एज नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, नॉलेज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इट इज नॉलेज बेस्ड और सर्विसेज क्या करती हैं, दैट इंप्रूव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हो रही है, जो विच इज इन ऑपरेशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट, इनपुट्स, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट और पोल्यूशन. बाय द वे, अगर आप किसी चीज़ की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं उसका इम्पैक्ट भी ऑटोमेटिकली कम होता ही होता है, राइट. कॉस्ट कम करना ये एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच होती है. कॉस्ट कम करनी है दैट मीन्स आपको उसका इनपुट कम करना पड़ेगा, है ना, कितनी बिजली खर्च कर रहा है वो कम करना पड़ेगा. मल्टी फैसेटेड चीज़ होती है ये. सो वेन एवर वी राइट दैट किसी चीज़ की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है उसका मतलब यही होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है किसी न किसी तरह, और क्लीन टेक वही कर रहा है. हमारे लिए जो कीवर्ड है दैट इज़ नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स. कि मैं आपको ऐसा क्या बता दूं कि आपका पंप बेटर काम करने लग जाए, आपकी गाड़ी बेटर हो जाए. टेक्नोलॉजी वही रहेगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा. सेकेंड पॉइंट में इट इज़ गिवन, क्लीन टेक इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ग्रीन टेक्नोलॉजी सिंस इट जनरली रेफर्स टू द इमर्जिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री एज अपोज टू द एक्चुअल टेक्नोलॉजी विच द इंडस्ट्री इन्वेस्ट. ठीक है, ये आपके प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं. कुछ कुछ इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर वो घुमाएंगे, आपको घूमना नहीं है ज्यादा. नेक्स्ट में गिवन है दैट क्लीन टेक के अंदर देर आर 11 सेगमेंट्स, है ना. कौन कौन से 11 सेगमेंट्स हैं? एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं. हर एक पोर्शन को आप एफिशिएंट बना दोगे, हर एक पार्ट को एफिशिएंट बना दोगे, ओवरऑल आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्लीन टेक का नाम दिया जा सकता है. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, ये आप लोगों की ब्रेक चल रही है बाय द वे थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सांस ले सकते हो आप. बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर. अब क्या नीड है इसकी, ये हम मतलब मेरे को तो शर्म भी आ रही है ये पढ़ाते हुए, बट ठीक है. नीड फॉर क्लीन टेक, एनवायरमेंट क्राइसिस में है, हम लोग एनवायरमेंट से लिंक्ड हैं तो हम भी क्राइसिस में हैं. दैट्स वाई वी नीड दिस टेक्नोलॉजी फॉर द एनवायरनमेंट, बट एसेंशियली फॉर अस. अल्टीमेटली हम सेल्फिश लोग हैं, हम ही ने खराब किया था, अब हम ही अपने लिए ठीक कर रहे हैं. कार्ल मार्क्स ने कहा है ये.
है ना, मेरे को मत पकड़ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर नीड फॉर क्लीन टेक के अंदर सेकंड पॉइंट जो है, इट आल्सो एक्सटेंड्स टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगेन सेम बात, एक ही बात को चाहे जितनी मर्जी बार कर लो बात सेम रहेगी, यहां भी सेम ही मुद्दा है, राइट। क्लीन टेक का ऑब्जेक्टिव्स, इफ वी सी क्लीन टेक के ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट पेज। क्लीन टेक के ऑब्जेक्टिव्स आर एज सेम एज जो आपके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि हमको अपना वाटर कंजर्व करना है, हमको अपना एयर क्वालिटी और पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और ये सब कंट्रोल करना है। साथ ही साथ ये कैसे होगा, आपको रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है ना। इसके ऊपर जो भी कोई काम करेगा दैट इज़ क्लीन टेक। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है विल गिव इट अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीन टेक। सेम है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ योर क्लीन टेक। ठीक है जी, एप्लीकेशंस वगैरह कुछ नहीं बता रहा इसकी मैं, क्योंकि आपको पता है ना कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं हम क्लीन टेक की। आएगा इसके ऊपर सवाल बाय द वे, ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 6-7 तो ले ही आना, ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने माइंड में आइडिया क्लियर रख के। एग्रीकल्चर में यूज़ होगा इसका, इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होगा, है ना, वहाँ इस टाइप की चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, सिंपल इनफ, क्लियर है। हाँ, ये भी टेक का पार्ट हुआ ना। ठीक है, सी अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो मानते हैं आप ही एग्रीकल्चर कर रहे हो, राइट, और आपका मैं पूछता हूँ आपका खर्चा क्या क्या है, बोलोगे कि यार इसका इतना बिल आ रहा है, इसका इतना बिल आ रहा है, यील्ड मेरी कम हो रही है, तो आई विल टेल यू कि यार ये फलानी फलानी एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको वहीं पे गाड़ दो, आप ना सॉइल मॉनिटर कर सकते हो, मॉइस्चर मॉनिटर कर सकते हो, है ना, और रादर देन थ्रोइंग योर वो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइज़र, है ना, आई गिव यू द टेक्निक, आप इसके थ्रू करो, आपका फर्टिलाइज़र कम लगेगा, है ना। तो इसमें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज़ क्लीन टेक। मैं कहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ वो छोड़ो, बट आई एम प्रोवाइडिंग इज़ क्लीन टेक। जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो नया नहीं है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लीन टेक है। अब क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी इनका एग्रीकल्चर का एग्जांपल हो गया, कोई लेट अस से लाइफ स्टॉक कर रहा है, फिशेज पाल रहा है, मछली पालन कर रहा है, राइट, तो उसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा कि यार ये पंप है, ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखता है, तो जो आपकी फिशेज 30-40% फिश जो मरी हुई निकलती हैं, राइट, वो बच जाएंगी, बेटर रहेगा उसके लिए, तो दिस इज़ क्लीन टेक। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना वो जिसमें हम विमेन को ट्रेन करना था ड्रोन्स के लिए, तो हम उसको एज एन एग्जांपल इधर डाल सकते हैं, तो वो क्लीन टेक में फॉल करेगा। हाँ, मेथड्स वही सब रहेंगे, खेलेगा इसके ऊपर यूपीएससी 100%, कुछ ना कुछ आएगा इसके ऊपर, तो ध्यान रखना। और वो चार ऐसे ऑप्शन देगा कि एक बार को तो मैं भी कन्फ्यूज होऊंगा। पेज नंबर सी, अब व्हेन आई हैव टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, तो मेरे पास में भी एक गेम प्लान होना चाहिए। सो मोस्टली मेरा जो प्लान होगा, जैसे मैंने इनको भी बताया कि आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, सो मेरे पास कौन से सोल्यूशन है, इट इज़ अ फाइनेंशियल सोल्यूशन टेक्निकली, जो ये पॉइंट वो बोलना चाह रहा है। यू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसलिए डाला है कि यूपीएससी हो सकता है पहले वाले को पूरी तरह स्किप कर दे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, क्योंकि पहले वाला पॉइंट अगर उसने पूरी तरह स्किप कर दिया और पूरा ही इसकी तरफ घुमा दिया कि यार ये ना ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो कि आपके काम को एफिशिएंट कर रही है, सो दैट विल बी अ राइट स्टेटमेंट। डालते हुए मैं सोच रहा था कि एक बार को तो इसके ऊपर आएगा, एंड आई वाज रियली हैप्पी कि किसी ने पूछा नहीं, बट ठीक है, गुड डाई। सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक ही है ये वाला पॉइंट डालने का, इज़ दैट आपका पेपर में कन्फ्यूजन ना हो, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो अभी हमने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए ना, मछली पालन से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ड्रोन से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर हमारे जो हम
वाटर डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, वाटर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, कि फ्लड मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें के लिए कर रहे हैं कि फ्लड आ रही है लेकिन वो पानी हम स्टोर नहीं कर पा रहे, एक मौसम ऐसा है जहाँ पे हमारा शहर डूबा हुआ है, एक मौसम ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो इसका मिसमैनेजमेंट क्यों है, है ना? तो उसके लिए आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यू नीड एमर्जिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, राइट? उस एंगल पे है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स समझने में नहीं, मतलब इंटर रिलेशन में। हाँ ठीक है जी, चलें आगे। सो एक और टॉपिक न्यूज में चल रहा है आजकल, दैट इज योर फुकुशिमा वाटर इशू, क्योंकि जापान ने बोल दिया कि वो जो वेस्ट वाटर है जो कंटेमिनेट हुआ था उसको धीरे धीरे रिलीज करने वाला है वो, और कर भी रहा है, राइट? और दो कंट्रीज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं, दैट इज साउथ कोरिया एंड चाइना। और साउथ कोरिया के अंदर तो बल्कि वो भी होना शुरू हो गया कि सॉल्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं 35%, और लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी है सॉल्ट की, क्योंकि वो सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अभी कंटेमिनेशन इसके अंदर हो जाएगी और सी सॉल्ट जैसे ही आएगा नेक्स्ट वो कंटेमिनेटेड होगा कुछ समय तक, सो लोग सी सॉल्ट होल्ड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कौन सी है वो, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट? सो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं कि क्यों हम वाटर रिलीज करना सही है। अगर आप पेज नंबर 10 पे देखेंगे, जिसमें पैसिफिक ओशंस रोल एंड कंट्रोवर्सी, इसमें नंबर 1 है डाइल्यूशन प्रिंसिपल, है ना, कि अगर आपकी इंप्यूरिटी बहुत कम मात्रा में होती है तो वो आपको अफेक्ट नहीं करती है। तो ये वही कर रहे हैं कि ये पैसिफिक ओशन के अंदर ये जो ट्रीटेड वाटर है, राइट, इसको रिलीज कर रहे हैं उधर, एंड दे आर सेइंग कि इंप्यूरिटीज इतनी कम मात्रा में होंगी कि ये अफेक्ट ही नहीं करेंगी। सो दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन प्रिंसिपल। और यहाँ पे उन्होंने एक नारा भी दिया हुआ है, द सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन, ये इनका ही है, ये IAEA का है ये। नेक्स्ट इज ट्रिटियम फोकस एंड क्रिटिक। अब व्हाट इज ट्रिटियम, अगर आप नीचे जाएंगे उसमें रीसेंट डेवलपमेंट में, जस्ट उसके नीचे मिल गया जी, द वाटर इज ट्रीटेड यूजिंग फिल्टरिंग सिस्टम कॉल्ड एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम ALPS। ये वाला सिस्टम यूज हो रहा है, इट इज द मोस्ट एडवांस सिस्टम दैट एनीवन कैन यूज, है ना, करंटली वाटर को ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या है कि सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट रिमूव हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रिटियम। इसमें ट्रिटियम रिमूव नहीं होता है, मतलब इसका सिंपल रीजन तो ये है क्योंकि ट्रिटियम का जो कंपाउंड्स बनते हैं विच इज T2O, राइट, इट बिहेव्स वेरी सिमिलर टू वाटर, तो जहाँ से वाटर पास हो सकता है वहाँ से ट्रिटियम भी पास हो जाता है, तो ट्रिटियम नहीं आप इसके थ्रू ट्रीट कर सकते, और यही मैटर ऑफ कंसर्न है ना। ट्रिटियम के ऊपर हम कुछ लिख भी लेंगे कि क्या चीज़ है, नुकसान कैसे करता है, वो भी देख लेते हैं। बट ALPS, जो कि सवाल आएगा आपका कि ALPS रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू, है ना, तो इट इज वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एंड लेट मी गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि फुकुशिमा डिजास्टर है क्या। बाय द वे, कौन कौन से दो वाटर्स आपस में मिक्स हुए हैं, कौन सा वाटर हमें फेंकना है। सो जो हमारा फॉर दैट मैटर कोई भी पावर प्लांट है ना, वो दो तरीके से, मतलब दो हिस्सों में उनका पानी डिवाइडेड होता है। बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, समझना है बस इसको। एक वाटर वो होता है जो इंटरनली सर्कुलेट होता रहता है, राइट, दिस इज योर हैवी वाटर जो यहाँ यूज होता है, राइट, नाउ यहाँ पे आपका वाटर हीट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, एंड टर्बाइंस घूमती हैं, अल्टीमेटली मैकेनिकल मोशन के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोई भी आपका फॉर दैट मैटर कोई भी जनरेटर है वो अल्टीमेटली मैकेनिकली ही घूम रहा होता है, राइट। सो यहाँ पे टर्बाइंस घूमी, उसके बाद में सेम वाटर केम हेयर, कंडेंस हुआ और वापस से सर्कुलेट हो गया।
दिस वाटर, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड है, दिस वाटर गेट्स हीटेड बाय योर न्यूक्लियर कोर. ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी डायरेक्टली हीट होता है और ये सर्कुलेट होता रहता है. देर इज़ नो न्यू एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे, है ना, सर्कुलेट होता रहता है. इस वाटर को कैसे कूल करते हैं, इज बाय नॉर्मल वाटर जो किसी भी स्ट्रीम, तभी पावर प्लांट जो होते हैं किसी स्ट्रीम के पास में होते हैं, दे नीड टू कंडेंस द वाटर दैट इज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग. सो दिस इज द नॉर्मल वाटर, ये इस वाटर को कंडेंस करेगा, सेम लाइक रेडिएटर का ओपोजिट, ये उसकी हीट को ले जाके बाहर छोड़ देगा, इवेपोरेट कर देगा, जो आपके पावर प्लांट्स की बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं और उसके अंदर आपको धुआं निकलता दिखता है, वो बेसिकली इट इज़ नॉर्मल वाटर, है ना, वो इसको कंडेंस करने के लिए होता है जो वाटर सर्कुलेशन में है. नॉट ड्यू टू डिजास्टर ये वाटर मिक्सअप हो गए थे. नॉ दिस वाटर विच इज कंटेमिनेटेड एंड दिस वाटर, ये मिक्सअप हुए हैं एंड दिस इज़ द इशू न्यूक्लियर प्लांट के अंदर. बाय द वे ये हर उसमें रहता ही है कि अगर आप कोर को आपने ढंग से ठंडा नहीं किया तो ये मेल्ट हो जाएगा और सारा यू नो कंटेमिनेंट जो है आपके बाहर आ जाएंगे, राइट. दैट इज़ वाई आपकी जिसकी बेस होती है वो बहुत हैवी बनाई जाती है. एनी वे नो वॉट इज़ द इशू, जापान क्यों रिलीज कर रहा है इसको, है ना, अभी तक तो रखा हुआ था. पेज नंबर 10 पे वाई फुकुशिमा वाटर इज बीइंग रिलीज्ड. नंबर 1 स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स, है ना, यू हैव लिमिटेड स्टोरेज, आप कितना पानी कितनी देर तक रख सकते हो, आपको रिलीज करना ही है उसको. लास्ट में अगर आप देखेंगे रिलीज प्रोसेस के अंदर जो आपका फर्स्ट सब पॉइंट है, जापान सेड दैट इट विल रिलीज दिस वाटर इनटू पैसिफिक ओशन ओवर द नेक्स्ट 30 इयर्स, है ना. तो जो हम डिल्यूजन की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक साथ में रिलीज कर देगा जापान. और इसके नीचे आई हैव गिवन यू द कंसर्न्स आल्सो कि साउथ कोरिया ने और चाइना ने इसको अपोज किया है और 27% प्राइस सर्ज हुआ है साउथ कोरिया में फॉर योर सॉल्ट. बाय द वे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका वो भी आया था कि फुकुशिमा के पास से फिश पकड़ के वो खाते हुए उन्होंने वीडियो रिलीज करी थी अपनी कि इट इज सेफ टू ईट. ठीक है जी, ऑल राइट. फुकुशिमा डिजास्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. और बाकी अर्थ को एक्सेंड सुनामी आप लोग स्टैटिक में पढ़ते ही हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. लेट अस राइट समथिंग अबाउट ट्रिटियम जो कि हमारा यहाँ पे पॉल्यूटेंट है. लिखा तो हुआ है उसमें, वेन वाटर इज सफिशियंटली डाइल्यूटेड इट बिकम सेफ फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट. तभी हम लोग जब भी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं ना, हम उसमें ppm की बात करते हैं कि कितने ppm तक सेफ है वो. लिखिए ट्रिटियम, इट इज अ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. Produced in the atmosphere when cosmic rays collide with air molecules. मतलब basically आपको facts ही दूंगा इसमें मैं कि आपके prelim के answer निकल जाएं. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, इट हैज द लोएस्ट रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग रेडियो न्यूक्लियाइज. Tritium, it has a radioactive half-life
एनीवन फ्रॉम दिस साइंस बैकग्राउंड जो बता सके, ट्रिटियम हैज़ दी रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ ऑफ 12.32 ईयर्स। हाफ लाइफ तो पता है ना कि 12.32 ईयर्स के बाद में ये जितनी इसके कंटेंट था वो हाफ रह जाएगा, और उसके और 12.32 ईयर्स के बाद उसका भी हाफ रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटिएटेड वाटर। ट्रीटिएटेड वाटर जिसके अंदर ट्रिटियम की कंटेमिनेशन है, ट्रीटिएटेड वाटर हैज अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ टाइम, हैज अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ टाइम इन ह्यूमन बॉडी। Of 7 to 14 days. It is difficult to remove ट्रीटियम फ्रॉम द वॉटर। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ट्रीटियम फ्रॉम द वॉटर एज इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू हाइड्रोजन। ये आपका इस पे स्टार लगा लेना, ये आपके अगर आएगा क्वेश्चन प्री के ऊपर तो वो इसके अराउंड थोड़ा सा घुमाएंगे आपको। इसके अलावा एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था साथ साथ कि आपको फुकुशिमा पता है जापान, इसके अलावा देर आर अदर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जो वर्ल्ड में हुए हैं इधर उधर, तो अ मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, राइट? सो लेट अस राइट कि और कौन कौन से, जैसे आपको आपने चेरनोबिल सुना होगा, चेरनोबिल डिज़ास्टर 1986 कहाँ पे है, प्रेजेंटली कहाँ पे है? तुम बिजली से चलते हो, साथ ही तुम्हारी पच निकल गई है, लाइट जाती कहाँ पे है? यूक्रेन, इट्स इन यूक्रेन। थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि चेरनोबिल का नाम सुनते ही, क्योंकि इसके अराउंड मूवीज बनी हुई हैं और ये सब हो रखा है, तो एक रशिया, क्योंकि फॉर्मर यूएसएसआर में था वो। लिख लीजिए अदर मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर्स, चेरनोबिल 1986, CHERNOBYL, चेरनोबिल डिजास्टर 1986, यूक्रेन, और ब्रैकेट में लिख लो फॉर्मर USSR। नेक्स्ट इज 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, 3 माइल THREE, 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट 1979 यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें अगेन वही रिएक्टर का पार्शियल, इसका कोर जो है वो पार्शियली मेल्ट हो गया था एंड रेडियो एक्टिव गैसेज गॉट रिलीज्ड, है ना? नेक्स्ट इज काइस्टिम, KYSHTYM, काइस्टिम डिजास्टर 1957।
सोवियत यूनियन और करंटली रशिया. इसमें बाय द वे ये जो न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करते हैं ना, तो उस स्टोरेज टैंक, वेस्ट स्टोरेज टैंक के अंदर एक्सप्लोजन हो गई थी, राइट. तो इन सब के जो डिजास्टर्स हैं ये अपने आप में इकलौते ही हैं. इसके बाद में आईएई ने जो है लेसन ले लिए थे, तो ये डिजास्टर रिपीट नहीं हुए हैं. तो हर बार एक न्यूक्लियर डिजास्टर में नया ही देखने को मिलता है, राइट. बिकॉज सेंसिटिव मैटर है ये बहुत ज़्यादा, इट रेंडर्स योर लैंड अनयूजेबल. चेरनोबिल में अभी तक पॉपुलेशन नहीं गई है और हम अपनी लैंड को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टची रहते हैं कि हमको यूज़ करना है इसको, राइट. और इस टाइप के डिजास्टर्स को अनयूज्ड रेंडर कर देते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके बाद में. इसके बाद में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज़ योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं वो, है ना. ये सब आपने पढ़ लेना है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया. इस साल आ सकता है क्वेश्चन, 2020 के अराउंड क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर और 13-14 में पीक पे थे सवाल इसके ऊपर. हर पीसीएस के अंदर आ ही रहा है, अब दोबारा आएगा वो वाला ट्रेंड कि कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, वाई हैवी वाटर इज़ यूज, कितने टाइप का है ना, वट आर एफ बी आर, इस टाइप की चीज़ें उसमें आएंगी. तो स्टैटिक के अंदर आप इसे कवर करोगे तो मेक श्योर कि यू डू इट प्रॉपरली. अब हाईलाइट हो गया इसमें. इसके अंदर जो की रोल प्ले कर रहा है दैट इज आपका आईएई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट. दिस एजेंसी इज द वन जो वर्ल्ड को बता रही है कि दिस इज एक्चुअली सेफ जो हो रहा है. दिस इज द वन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिटिगेटिंग एनी डिजास्टर अकरिंग इन न्यूक्लियर प्लांट्स, राइट. लिखना एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर, आईएई के ऊपर आ जाइए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. एस्टैब्लिश्ड, ये शॉर्ट में लिखते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1957 एज द वर्ल्ड्स अपोस्ट्रोफी एज द वर्ल्ड्स, अब जो आएगा उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेना, कोट्स में, एटम्स फॉर पीस, ए और पी कैपिटल, एटम्स फॉर पीस. Within the United Nations. It seeks to promote peaceful use of the nuclear energy. क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि मिलिट्री और वेपनाइजेशन के खिलाफ काम करता है ये, ठीक है, पीसफुल पर्पस. इट रिपोर्ट्स टू यूएनजीए एंड यूएनएससी, इट रिपोर्ट्स टू यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हाँ, एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. हेडक्वार्टर्स वियना, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और हिमाचल के लिए भी. हेडक्वार्टर्स वियना कहाँ है, वियना, हाँ हाँ ये पता था ना तुम सबको पहले से ही, बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ बता देती है, इसीलिए इंटरव्यू में कम ज्यादा मार्क्स आते हैं, पता है, लोग बातें सेम ही कर रहे होते हैं, क्या ही बोल दोगे नया. When you were born without words. Every word you speak is given to you. So how can you speak new things? Every idea is provided to you. You read from here and there and you get ideas. You cannot speak new things. On the other hand, body language, ये अलग होती है. A child can cry and communicate. Right? ये उसको पहले से पता है. और एक बस ट्रिविया इसके अंदर कि 2005 में इट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज. ये अगेन यूपीएससी का, अगर कुछ नहीं पता दिमाग खराब का, तो वो ये अवार्ड्स वगैरह भी पूछ ले कि इसको मिला या नहीं मिला, तो मिला है 2005 में नोबेल पीस प्राइज.
छोटा सा टॉपिक, इसको भी अभी निपटा लेते हैं, फिर एक अच्छे टॉपिक पे चलेंगे। नहीं, डज नॉट मीन कि ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक है टॉपिक, ये आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नभ मित्र डिवाइस, सबसे पहले ये पेज नंबर पे लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड बाय इसरो। इसरो इंपॉर्टेंट चल रहा है इन दिनों न्यूज़ में। चंद्रयान 3 पे शायद सवाल ना ही आए, आएगा भी तो उसी में से आएगा जो हमने किया है, बहुत लिमिटेड आएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो फेमस हो गया टॉपिक, अब फेमस टॉपिक पे नहीं जाता। UPSC गगनयान पे जाएगा या आदित्य L1 पे जाएगा, या फिर उसके जो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं, नभ मित्र डिवाइस और रिलेटेड और जो भी हैं, या वो प्रोग्राम्स जो हमने स्टूडेंट्स के लिए किए थे लास्ट ईयर, मतलब नॉट लास्ट ईयर बट इन द प्रीवियस सेशन जो हमने किया था, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 से, राइट? सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सेंटी नहीं होना चंद्रयान 3 को लेके। हो गया वो आदित्य L1, गगनयान और ये सब डिवाइसेस और ये सब चीज़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डेवलप्ड बाय इसरो, राइट? क्या है ये? इट इज सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। इसको स्टार लगा लीजिए। नभ मित्र डिवाइस किसने डेवलप किया? इसरो ने। किसके लिए है? आपके फिशरमैन के लिए। नाउ व्हेन वी से इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन, व्हाट डज इट मीन? फिशरमैन को किस चीज से खतरा है? नेविगेशन बेस्ड है ना? हाँ, नेविगेशन बेस्ड और स्टॉर्म्स, तो यही बताएगा ये इन्फॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग, डिस्ट्रेस मैसेजेस, उनकी वो जो मेड मैसेजेस होते हैं, राइट? डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं जो, उनके लिए एमरजेंसी कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्टेंस, और एक और चीज़ कि फिशिंग करनी कहाँ पे, ठीक है? फिश स्कूल्स ऑफ फिश कहाँ पे, फिशिंग फील्ड्स कहाँ पे, उनकी आइडेंटिफिकेशन। इसका जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है वहाँ पे गिवन है दैट इट विल बी कम्युनिकेटेड इन द लोकल लैंग्वेज। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैसेजेस हैं वो लोकल लैंग्वेज में रिले होंगे। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ टू वे मैसेजिंग सर्विस, इट्स नॉट लाइक अ FM रेडियो जिसपे बस RJ बोलता है, आप सुनते हो, वो नहीं है, इट्स अ टू वे मैसेजिंग सिस्टम। ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, अगर इसके ऊपर कोई सवाल आएगा UPSC में तो वो इतना आसान नहीं आएगा कि इसरो ने बनाया तो क्या है वो, नहीं, वो यहाँ तक पहुँचेगा कि टू वे मैसेजिंग सिस्टम है या नहीं, करेगा क्या क्या, वहाँ जाएगा वो। इसके आप साइड पे लिख लीजिए की फीचर्स ताकि आपको याद रहे, मोस्टली यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में लिख लेते हैं उसको। वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग, नेविगेशनल असिस्टेंस, फिशिंग फील्ड आइडेंटिफिकेशन, अब देखो फिशिंग फील्ड आइडेंटिफिकेशन, दिस कैपेबिलिटी इज बियॉन्ड सेफ्टी, बाय द वे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, लेकिन हम यूटिलाइज बियॉन्ड सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू टेल देम, आइडेंटिफाई करा देते हो कि फील्ड कहाँ पे है, तो हम जो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर ये हेल्प करेगा। अगर आएगा तो किस किस टाइप सोच रहे हो आप? डाल सकते हैं एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा ज्यादा लग रहा है ये। क्या लगता है? एफिशिएंसी एनहेंस कर दी कि वो बोट पहले चक्कर मार रही थी, अब नहीं मार रही होगी, उस तभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मरोड़ा लग रहा है ये, थोड़ा सा। ऐसे तो हम मतलब प्यो दी जुत्ती बिग क्लीन टेक में डाल सकते हैं, है ना, तो वो आप गेड़ियाँ कम मारोगे, पेट्रोल कम लग रहा है पर ठीक है, गुड वे ऑफ थिंकिंग, सही है।
वही वो क्लीन टेक का टॉपिक मैंने डालने से पहले 3-4 बार सोचा था वैसे कि ये डालना है नहीं डालना है, ये किधर को जाएगा ये, क्योंकि वो सारा टॉपिक ही हवा में है, उसके ऊपर अभी रिसर्च आई ही नहीं है। पर यूपीएससी का देखने ट्रेंड यही देखने को मिला है कि वो 2-3 साल एडवांस में वो टॉपिक डाल देता है, जैसे फोर्टिफाइड सॉल्ट और ये सब अब फेमस हुए हैं पिछले साल, सवाल इसका 17-18 में आ गया था, तो वो 3 साल एडवांस चलता है थोड़ा सा। और एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहे बट ये बहुत कॉमन है कि पहले यूपीएससी 2-3 साल पहले सवाल पूछ लेता है और फिर 3 साल बाद वो चीज़ फेमस हो जाती है। अलग हैं इसके करंट अफेयर्स। ठीक है जी, हो गया इसका, चलें आगे। लेट्स गो टू टॉपिक नंबर 6। ये पूरी डिक्लेरेशन थोड़ी थोड़ी हवा में है बाय द वे। इस पूरी डिक्लेरेशन में बोला गया है कि एक्शनेबल एजेंडा है, हम एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे। आई रेड द होल डिक्लेरेशन, मेरे को तो नहीं मिला कि कहीं पे एक्शन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंपाला डिक्लेरेशन है राइट, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये किसका कोर आइडिया सेंट्रल आइडिया क्या है, यो मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है ये। सो इफ़ यू सी इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, सो KDMECC राइट, कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज राइट। सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब चीज़ों को लिंक किया हुआ है, हैं भी। इसका थोड़ा सा आगे पढ़िए, टू एड्रेस द इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा ढंग से सोच पा रहे हो इसके ऊपर, तो ये ना लिंक करना चाह रहा है आपके क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स को। ये डिक्लेरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देर इज अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड योर एनवायरनमेंट। हाउ हाउ इज ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट? लिंक कैसे है? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं बेसिकली? हाँ, क्या बोल रहे थे रमन, बोलो। हाँ, यस, क्या टर्म यूज किया हमने, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स। सोचो ह्यूमन राइट्स कौन से हैं? राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, है ना, तो आप अपने ह्यूमन राइट्स को फुली इंजॉय नहीं कर सकते। यू मे बी एंटाइटल्ड टू दोज, लेकिन अब फ्लड आ गया, आप यहाँ यहाँ तक डूबे हुए हो पानी में, कौन सा ह्यूमन राइट क्या फिर? तो ये डिक्लेरेशन इसको लिंक कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लिख लो साइड पर अगर लिखना है तो, एक लाइन लिख लो बस ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्लाइमेट चेंज हैज इनडिस्प्यूटेबल, क्लाइमेट चेंज हैज इनडिस्प्यूटेबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द इमीडिएट सराउंडिंग्स जिसके साथ में आप, उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। हैज इनडिस्प्यूटेबल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इन्वायरमेंट विच इन टर्न सीरियसली अंडरमाइन द इंजॉयमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दिस इज हाउ इट इज लिंक्ड।
undermine the enjoyment of the human rights. For example, it took one COVID to realize कि अंदर बैठना क्या होता है. हम जैसे फ्रीली बाहर घूमते थे, हमारा जो राइट है, राइट राइट टू मोबिलिटी हमारी जो है, वो जैसी अंडरमाइन हुई वी इमीडिएटली केम टू नो कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट था बाहर घूमना. तो वैसे ये बोलना चाह रहा है इसको कि ये इंटरलिंक्ड है. और बाय द वे, जैसे ये इनडिस्प्यूटेबल वर्ड हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया, तो इसको बोलते हैं आप एग्जामिनर को ना जीतते हो, अपनी तरफ कर लेते हो. आपने उसको पहले ही बोल दिया कि इसमें तो यार कोई दो राय है ही नहीं, वो दोनों लिंक्ड ही हैं, तो वो भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो. इट्स अ ट्रिक. अब जैसे ही मैंने ये वाला वर्ड लिखवाया तो आप लोगों ने भी डिस्प्यूट किया नहीं इसको कि कैसे क्यों नहीं है इनडिस्प्यूटेबल. तो दीज आर सर्टेन ट्रिक्स कि आप जब आंसर लिखते हो ना तो थोड़ा सा एग्जामिनर को दे सकते हो मसाला, ओरिगैनो डाल दिया करो उसके खाने पे. ठीक है, चलिए थोड़ा डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं. साइंड इन युगांडा जुलाई 2022 के अंदर, ये शुरू हुई थी 15 से. नाउ इट हैज साइंड, इट इज साइंड बाय 48 अफ्रीकन कंट्रीज, राइट. इट इज सपोर्टेड बाय IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, बिकॉज अल्टीमेटली ये ह्यूमन मूवमेंट से रिलेटेड है, मोबिलिटी और उसको रिलेट किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स को, मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज को रिलेट किया हुआ है. सो IOM वो रिप्रेजेंट करेगा एंड द UNFCCC. और जो लास्ट पॉइंट है, इट विल एंश्योर दैट ऑल वॉइसिस इंक्लूडिंग दोज ऑफ यूथ वुमेन एंड पर्सन्स इन वल्नरेबल सिचुएशंस आर द प्रायोरिटी ऑफ द एक्सपेंडेड डिक्लेरेशन. कैसे क्यों आई डोंट नो, बस यही है जो आपका सवाल आएगा डिक्लेरेशन के ऊपर. दैट विल बी एज सिंपल एज कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट. और इट इज़ रिलेटेड बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमने ध्यान में रखना है, ये इसका कीवर्ड है. और क्योंकि ये कंपाला विच इज़ इन युगांडा वहाँ पे है, तो हमारे लिए युगांडा इज़ अ कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो लेट अस राइट द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ युगांडा. वही ऐसे ही आप सेंटर में युगांडा लिख लीजिए, मैं आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके बता देता हूँ. ईस्ट इट्स कीनिया, ईस्ट वेस्ट में तो नहीं कंफ्यूज होता कोई, ठीक है, थैंक यू. नॉर्थ साउथ सूडान, वेस्ट कॉन्गो, और कॉन्गो के जस्ट नीचे साउथ वेस्ट में रवांडा, एंड साउथ टंजेनिया. साउथ वेस्ट में रवांडा, साउथ में टंजेनिया, राइट. एंड इट्स इन ईस्ट अफ्रीका और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री. दो टॉपिक्स रह गए हमारे, अब दवाइयों पे चलें. PRIP, पेज नंबर 4. ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए नए होंगे, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल बायोसिमिलर्स, ऑर्फन ड्रग्स, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, है ना. तो इसके ऊपर एक डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि क्या टर्म्स का मतलब हो सकता है, राइट. इसके अलावा ये पर्टिकुलर स्कीम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक ये सरकार के थ्रू, नाइपर्स के थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी और उसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं,
और दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेगी, कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंसेंटिव्स और ये सब प्रोवाइड करेगी, और उन दोनों में कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हैं, राइट? तो हम वो दोनों देखेंगे अभी. सो इट स्टैंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, पीआरआईपी स्कीम. एंड यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आप लिख सकते हैं इट इज अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. तो अभी जो हमारी दवाई है ना, हम लोग जेनरिक दवाइयाँ बनाने में बहुत तेज हैं, हम फटाफट से किसी भी दवाई का कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम चाह रही है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस से हम शिफ्ट होके हम इनोवेशन बेस्ड हो जाएं, राइट? कि हम लोग नई मेडिसिन बनाएं, ऐसी मेडिसिन जो वर्ल्ड डिमांड कर रहा है. नाउ व्हाट डज इट मीन कि वर्ल्ड क्या डिमांड कर रहा है, राइट? वो बीमारी डिमांड करेगी ना, बट नहीं. द थिंग इज कि अभी सारा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे, जैसे एक टर्म है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, प्लांट बेस्ड ड्रग्स बेसिकली, राइट? नेचुरल ड्रग्स है ना, तो वो चाहते हैं कि हम सिंथेटिक ड्रग्स ना लें, हमको कोई नेचुरल वो चीज़ मिल जाए, इसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए. तो ये स्कीम उस टाइप की चीज़ के ऊपर काम करेगी, ऐसी ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर काम, वो देखते हैं अभी, हम लिख भी लेंगे आगे, देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है ये, ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड कंपिटिटिवनेस टू इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ. कैसे? बाय स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. और हम जब देखेंगे इसके कंपोनेंट्स, देखेंगे कितने दो कंपोनेंट्स डिवाइडेड हैं, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही बेस्ड है ये सारी स्कीम. वो ऊपर 5000 करोड़ का आउटले गिवन है, ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउएवर क्योंकि राउंड सी फिगर है ये, तो आपको याद भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज फॉर R&D प्रायोरिटी एरियाज. बेसिकली जब रिसर्च करनी है तो जो भी उससे अंडर आएगा वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा. तो थोड़ा सा दिमाग चला लेना वहाँ पे पेपर में, और ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसमें रिसर्च बेस्ड स्कीम है, ये रिसर्च को प्रमोट करना है, यहाँ पे इनोवेशन बेस्ड ग्रोथ के ऊपर फोकस किया हुआ है, राइट? 6 फोकस एरियाज ऑफ द स्कीम. अब अगर हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की, तो इन 6 एरियाज के अंदर इनोवेशन होगी. न्यू केमिकल एंटिटीज इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल्स. फाइटोफार्मास्यूटिकल्स यहीं लिख लो साइड पे. प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स, दैट परफॉर्म फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटीज. फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटीज दवाइयों का काम कर रही है बेसिकली, ठीक है? नेक्स्ट इज, हम की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहां पे. कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, मतलब वो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का जेनेरिक रूप, एंड बायोसिमिलर्स. बायोसिमिलर पता है, इट इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग. लिख लीजिए इसको, बायोसिमिलर्स, ऑलमोस्ट एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ डिफरेंट कंपनी. कब बनते हैं बायोसिमिलर्स? बेसिकली जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है ना, उसके बाद में, ताकि सस्ते में मिले, तो सरकार लाइसेंस दे देती है कि आप बना लो, बायोसिमिलर उसको बोलते हैं. और इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे कई बार एक एक इंजेक्शन लाखों लाखों की कॉस्ट में पड़ता है, राइट? फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, उसका एक बहुत फेमस केस है इंडिया में, वो पेटेंट केसेस के ऊपर एक लैंडमार्क केस की तरह चलता है. फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, उसने उसका कैंसर का एक इंजेक्शन था, राइट? तो उन्होंने केस कर दिया था कि आपने, सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ने उसको जेनरिक कर दिया था. कि विच वन?
नाम नहीं याद आ रहा, होते रहते हैं केसेस इस टाइप के, तो दैट इज़ वाई कंपनीज फिर अवॉइड करती है इंडिया आना। अब इंडिया के पास चॉइस नहीं है, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सरकार हमारी सोशलिस्ट है, उसको भला करना है लोगों का, है ना। अब ऐसे केस के अंदर आपको पता है कि इंजेक्शन अवेलेबल है, जान बच जाएगी, लेट अज्यूम करो आपकी फैमिली में कोई है, आपको पता है इसकी जान बच जाएगी, लेकिन इंजेक्शन की कॉस्ट 60 लाख है। नाउ सच अ पिटी सिचुएशन, जिसकी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो उसका एक सिटीज़न अवेलेबल होते हुए भी मारा जाए, कि वो है बस खरीद नहीं पा रहे हैं। तो सच कितनी मजबूरी वाली सिचुएशन है इन दैट कंट्री। इस कंट्री के अंदर हमें इस टाइप की चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग CL दे देते हैं कि आप नहीं, आप प्रोड्यूस करो, पेटेंट है उनके पास, कोई नहीं, हम बाईपास कर रहे हैं। अब इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो यह है कि इमीडिएटली बेसिस पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म में क्या है कि कंपनी इधर नहीं आएगी, वो मेडिसिन यहाँ नहीं आएगी फिर आपके पास में, वो यार कि यहाँ तो आपका पेटेंट जो है वो पेटेंट रिस्पेक्ट नहीं होता, राइट। अगेन सच डिबेट्स आर देयर, और UPSC के मेंस के टॉपिक जो क्वेश्चंस आते हैं सो उसमें मोस्टली दे आर डिबेट्स ओनली, जहाँ पे कोई एक सीधा आंसर नहीं है। जैसे वो कि चंद्र अब चांद, जैसे उन्होंने पूछा था, वो आए नहीं इस बार, कि चांद असी चांद पे की करन जा रहे हैं जब जनता भुखी मर रही है। सच काइंड ऑफ डिबेट्स आर ऑलवेज देयर। आप इन्वायरमेंट बचाना चाह रहे हो, आप डैम्स क्यों बना रहे हो, ये डिबेट्स रहेंगी आपकी हमेशा, और इनका कोई डेफिनेटिव आंसर है नहीं। मतलब आई एम लुकिंग फॉर वन फॉर द पास्ट 5-6 ईयर्स, इसका आंसर है नहीं मेरे हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपने AC वाले रूम में बैठ के ये बोलना है कि डैम मत बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी मत बनाओ, इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन, दीज आर नॉट न्यू मेडिसिन बट न्यू वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन, कि बॉडी पार्ट तक पहुँचानी कैसे है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल डिवाइसेस, नेक्स्ट वी हैव मेडिकल डिवाइसेस यूजिंग AI एंड ML मशीन लर्निंग, नेक्स्ट वी हैव ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स के बारे में लिख लेते हैं एक लाइन, इंटेंडेड टू ट्रीट डिजीजेस दैट आर सो रेयर, दैट आर सो रेयर दैट कंपनीज आर रिलक्टेंट टू डेवलप, दैट आर सो रेयर दैट द कंपनीज आर रिलक्टेंट टू डेवलप देम अंडर यूजुअल मार्केट कंडीशंस, कि उसकी डिमांड ही नहीं है। अगर वो डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे भी तो उसको इतने खरीदने वाले हैं नहीं कि वो, जो पंजाबी कहते हैं ना, वारा खाए, तो ये कंपनीज को वारा नहीं खाती ये चीज़, इट इज़ नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिकली। रविंद्र जी, आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही अवेलेबल है ये आपका हैंड आउट, जहाँ पे क्लास लगी हुई है ना, उसी के नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे मिलेगा आपको। थोड़ा सा विजिलेंट होकर आप उसको देखेंगे, आपको मिल जाएगा वो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हिडन फ्रॉम यू गाइज, है वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा हुआ उसके ऊपर, देखा था आपने, नहीं चेक किया। ठीक है, लास्ट वन इज आपका AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दो कंपोनेंट्स के अंदर है ये, स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस COE इन 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स। इसी रोड के ऊपर अगर आप सीधा जाओगे तो एक नाइपर आपके अपने शहर में भी है, राइट, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, द ओनली प्लेस इन चंडीगढ़ जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सड़कों पर घूमती हुई दिखती है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल मेंटेन, राइट। एंड दूसरा है गवर्नमेंट एंगेजमेंट विद 9 एस्टैब्लिश फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वहाँ पे। सो यहाँ पे लेट अस सी कि जो ऊपर 6 कंपोनेंट्स है वो इनमें डिवाइडेड कैसे हैं, कि कौन सा बंदा क्या करेगा, नाइपर क्या करेगा और कंपनीज क्या करेंगी, राइट। सो आप एक हेडिंग डाल लीजिए अगर पिछले पेज पे जगह है तो, नाइपर COEs वो क्या करेंगी, बेसिकली लिस्ट बनाएंगे एक हम,
एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग डिस्कवरी, एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिस्कवरी, है ना, ये न्यू एंटीवायरल्स बनाएंगी, है ना, अब इस उसके तहत, और 700 करोड़ का इन्होंने बजट दिया है इनको फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब 100 करोड़ ईच फॉर 7 नाइपर्स, राइट। नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं, आइदर दे आर इम्प्लांट्स और दे आर वियरेबल्स, राइट। नेक्स्ट इज R&D इन बल्क ड्रग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इन बल्क ड्रग्स, और जब बल्क ड्रग्स बनानी होती है तो हमको APIs प्रोड्यूस करनी होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये हमने किया था पहले, तो ये इट विल कॉस्ट इफेक्टिव API प्रोडक्शन, बेसिकली इसका ये मतलब है। नेक्स्ट वी हैव नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना, इसका मतलब जैसे हमारे पास मेजरली 3 टाइप की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जिसमें विच इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, राइट, एंड वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, और इसके अलावा वी हैव कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, कि जब वो लीवर में पहुंचेगी तभी रिएक्शन से वो ड्रग वहीं के वहीं बनेगी, राइट, एंड इट विल ट्रीट इट, है ना। तो ये 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। लास्ट वन इज फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, PHYTO, PHARMA, CEU, TICALS, एंड बायोलॉजिकल थेरापूटिक्स, एंड बायोलॉजिकल थेरापूटिक्स, थेरापूटिक्स की स्पेलिंग तो नहीं बोलने की जरूरत, चलो फिर चेक कर लो स्पेलिंग, THERAPEUTICS, हो गया बिंगो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, सेकंड, प्राइवेट सेक्टर क्या करने वाला है इसमें, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स, वो ये प्राइवेट सेक्टर करेगा, अल्टीमेटली बल्क प्रोडक्शन नाइपर नहीं कर सकता, कुछ भी नया डेवलप करना है तो नाइपर, और जब भी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो आपको यहां देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स, मेडिकल डिवाइसेस विद AI एंड ML, और एक जो इसमें या नहीं, मतलब आप उसको एंटिसिपेट करोगे, इज दैट ऑर्फन ड्रग्स एंड रेयर डिजीजेज, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है, ऑर्फन ड्रग, इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग दे रहे हैं, ऑर्फन ड्रग्स एंड रेयर डिजीजेज, एंड लास्ट इज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। And we are here at the last topic of today. We'll talk about a schedule one animal, highest protected, right? Schedule 1 of Wildlife Protection Act.
ਸੋ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਰਾਈਟ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਐਨੀਮਲ ਤੋ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦੂੰ ਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 5 PM 5 ਕਬ ਹੈ 5 to 8 ओके तो फिर इसको हमें काम करते हैं जो लिखा हुआ है ये आप अपने आप से पढ़ लेना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है पांचवा टाइगर रिजर्व आया राजस्थान के अंदर राइट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज़ एक और इनिशिएटिव है जो इंडिया और नेपाल मिलके कर रहा है विच इज़ नॉट वाइडली कवर्ड वो लिख लेते हैं हम इट इज़ कॉल्ड तेराई आर्क लैंडस्केप TERAI तेराई अगेन वही फ्लड प्लेन्स वाले रीजन को जो बोला जाता है तेराई आर्क लैंडस्केप ये एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है ये कर लेना अपने आप से इसके अंदर इंफॉर्मेशन है हाँ तेराई आर्क लैंडस्केप TEL इट इज कंपोज्ड ऑफ 14 इंडियन It is composed of 14 Indian and Nepalese trans-border protected ecosystem. सवाल ऐसा है कि तेराई आर्क लैंडस्केप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज है ना तो ऑप्शन में चूज करना होगा आपको ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इको सिस्टम्स पोरस बॉर्डर है ना इंडिया और नेपाल का और ये फ्री रेंज एनिमल्स हैं ये कहीं भी घूम सकते हैं ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स ऑफ द तेराई TERAI ऑफ द तेराई एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयस क्या याद रखना है इसमें कि इंडिया और नेपाल के बीच में है ये नेपाल का इनिशिएटिव है ये ठीक है जी ध्यान रखना है एरिया इंक्लूड्स नेपाल्स बागमती रिवर BAGMATI बागमती रिवर टू द ईस्ट एंड इंडियाज यमुना टू द वेस्ट About 22% of the wild tiger population in India, about 22% of the wild tiger population in India is found across TAL. ठीक है जी एक काम करना ये ना डॉक्यूमेंट अब अगली बार भी ले आना इसमें कुछ कुछ स्टैट्स इंपॉर्टेंट है टाइगर को लेके राइट शेड्यूल्स वगैरह और ये सब इंपॉर्टेंट है दिस स्लाइड इज यूजलेस नाउ ऑलराइट थैंक यू सो मच ऑनलाइन अच्छा आपको वहीं मिल जाएगा वो जिसका भी डाउट था ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपके कोर्स के नीचे जो आज का लेक्चर वीडियो होती है उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट अटैच्ड होता है राइट थैंक यू सो मच सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं अगर सवाल आ गया इसमें से यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ Let me tell you about the Current Affairs Master Course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेन्स एज वेल एज योर इंटरव्यू नंबर वन यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन
काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट? दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।